राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी संघ के इशारे पर चल रही है, तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जनादेश का सम्मान करना कांग्रेस के डीएनए में है ही नहीं। कोई भी इंस्टीट्यूशन देख लीजिए देश का, मैंने एमपीज की बात की, एमएलएज की, सुप्रीम कोर्ट की, प्रेस की, प्लानिंग कमीशन की, शिक्षा की संस्थाओं की बात कर लो, हर एक इंस्टीट्यूशन को एक के बाद एक आरएसएस के लोग अपने लोगों से भर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत सालों के लिए, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को चलाया, मगर आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को हम अपने लोगों से कभी नहीं भरते थे। शालीनता के साथ जनादेश का सम्मान करना कांग्रेस की फितरत नहीं है, न ये कांग्रेस का डीएनए है। अब आप कांग्रेस के लोग खुद ही अपने, कांग्रेस या जो उनके अभी नए साथी बने हैं, वो अपने ही एमएलएस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कौन बिकाऊ है वहां पर? क्या खुद उनके एमएलएस बिकाऊ हैं? क्या कहां हार्स है जो ट्रेडिंग हो रही है? मुझे लगता है कि इस तरह के बौखलाहट में और बेबुनियाद बातें कह करके कांग्रेस खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। कांग्रेस के जो नए साथी हैं वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।